Hello learners, hi Swati Chaudhary, welcome you all to Dynamic Study. This is class 2 on MCQ series based on paper code 55. Let's begin with the class. First question is, the change related phenomenon resisted by organization in order to maintain an equilibrium is known as. Question bol raha hai, ek phenomena hota hai jisme organization nahi chahti hai ki wo apni current situation se change ho, wo apni equilibrium ki position mein rehna chahti hai, usko kya bolte hain? Options are homeostasis, self-destruct is B, and C is insecurity and digression. Third is conformity to norms. Right option will be, answer will be homeostasis. Homeostasis एक ऐसा phenomena होता है जिसमें organization अपने आप को अपनी उसी stable position पे रखना चाहती है, वो नहीं चाहती है change हो उसकी किसी भी situation में, position में, किसी में भी. Okay? Second question, which among these is not an element of Waste-Bote 6 model? This is very important question. Repeated question hai ye. So Waste-Bote ne ek 6-box model diya tha. Uske kuch elements hai, hote hai. There are basically 6 elements. Usme se ye 4 maine diye hai. Isme se aap bataiye kaun sa nahi hai. Purpose, reward, challenge and leadership. आंसर इज सी, चैलेंज. चैलेंज नहीं होता है इसका पार्ट. इसके 6 पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ. पर्पस इज फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकंड, रिवॉर्ड थर्ड, फोर्थ इज हेल्पफुल मैकेनिज्म, फिफ्थ इज रिलेशनशिप एंड सिक्स्थ इज लीडरशिप. इसे अच्छे से कीजिए, ये क्वेश्चन रिपीटेडली आता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, समटाइम्स द चेंज इन आर वन सब सिस्टम ट्रिगर्स अ चेंज इन अनदर सब सिस्टम, दिस इज नोन एज. The question is trying to say कि एक subsystem में, एक system का part है बहुत सारे subsystems, एक subsystem में change होता है which automatically generates change in another subsystem. ऐसे phenomena को क्या बोलते हैं? Driving change, restraining change, domino effect, violation change. Right answer is C, domino effect. Fourth question, who pioneered goal setting theory? Options are Nadler, B. Chris Agaris, C is Edwin Locke and D is Cochin and Cards. ये जितने भी नाम मैंने प्रपोज किए हैं, इन्होंने सबने कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन अपना दिया हुआ है. आपको बताना है गोल सेटिंग थ्योरी किसने दी है. So goal setting theory is proposed by Edwin Locke and he is from USA. उन्होंने 1960 में ये थ्योरी दी थी, उसको रिफाइन किया था 1980 में, जिसमें इन्होंने 4 स्टेप्स बताए थे जिसके बाद जाके कोई भी अपने गोल को सेट करता है. ए था गोल स्पेसिफिसिटी, पहले हमें पता होना चाहिए, हमें स्पेसिफिक होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमारा गोल क्या होना चाहिए. सेकेंड, गोल डिफिकल्टी एंड चैलेंज. वन वी विल सेट आर गोल, तो हमें कुछ डिफिकल्टीज आएंगी, चैलेंज आएंगे उसको पूरा करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए. थर्ड इज गोल एक्सेप्टेंस, हमें उन डिफिकल्टीज को एक्सेप्ट करना होगा और एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ हमें ये सब चीजें हमारे रास्ते में आएंगी अगर हम इस गोल को अचीव करना चाहते हैं तो. एंड डी विल बी गोल सेटिंग इन प्रैक्टिस, और उसके बाद हम लोग बिल्कुल एकदम से अच्छे से अपने आप को सेट कर लेंगे उस गोल के लिए एंड वील एक्सेप्ट दैट गोल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ पर्सन रिड्यूसेस इट्स परफॉर्मेंस लेवल व्हाइल एक्टिंग इन ग्रुप इज नोन एज. दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑप्शंस आर ग्रुप थिंक, रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल एम्बिग्युइटी एंड डी इज सोशल लोफिंग. So the right option answer is social loafing, which means जब भी हम group में act करते हैं कि individual जब individually अपनी performance देगा तो वो अपना best try करेगा, लेकिन once we'll start working in group, many a times हम लोग अपनी performance level बहुत ज्यादा reduce कर देते हैं, उस phenomena को social loafing बोलते हैं. Question number 6, who among following is associated with the idea that human personality progress along a continuum from immaturity and an infant to maturity as an adult? This question is from 2018 DEC paper.
दिसंबर में आया था ये क्वेश्चन. थ्योरी ऑफ मैच्योरिटी मैच्योरिटी दिया था क्रिस अगायरिस ने, याद रखिएगा. ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली आता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. हु अमंग दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ, सॉरी, विच अमंग दीज इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन गिवन बाय आर के दास. प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट है, और उसमें आर के दास जी ने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे लेबर लेजिस्लेशन के. तो 3 लेबर लेजिस्लेशन के प्रिंसिपल्स इसमें है, एक जो है वो गलत है. आप बताइए कौन सा. सोशल जस्टिस, नेशनल इकोनॉमी, सोशल वेलफेयर, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन. सो द राइट ऑप्शन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन. प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन आपके फ्रैंक टिलियार्ड थे, उन्होंने दिए थे दोनों प्रिंसिपल लेबर लेजिस्लेशन के. एंड आर के दास जी ने सोशल जस्टिस, नेशनल इकोनॉमी, सोशल वेलफेयर एंड इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी, ये दिए थे. ओके, 4 प्रिंसिपल्स. तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 8. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेज बोर्ड आर इनकरेक्ट. ये कुछ स्टेटमेंट है रिलेटेड टू वेज बोर्ड. यू हैव टू टेल विच वन इज नॉट करेक्ट. ए इज वेज बोर्ड आर बाइपार्टाइट इन नेचर. बी इज इट कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन एंड 2 और मोर इंडिपेंडेंट मेंबर्स. सी इज द फर्स्ट वेज बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1957 इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. एंड डी इज वेज बोर्ड आर स्टैट्यूटरी बॉडीज. ओके, सो राइट आंसर इज ए एंड डी. ए और डी है वो इनकरेक्ट है. हमें यही बताना था कि इनकरेक्ट कौन से हैं. वेज बोर्ड आर बाइपार्टाइट इन नेचर. नो, वेज बोर्ड आर नॉट बाइपार्टाइट, दे आर ट्राइपार्टाइट. उनमें 3 मेंबर्स, 3 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. वन इज फ्रॉम इम्प्लॉइज, वन इज फ्रॉम एम्प्लॉयर्स दैट इज मैनेजमेंट, एंड वन इज फ्रॉम गवर्नमेंट. ओके, सेकेंड आपका डी, वेज बोर्ड आर स्टैट्यूटरी बॉडीज. नो, दे आर नॉट स्टैट्यूटरी बॉडीज, दे आर एक्चुअली एडहॉक बॉडीज. वो सिचुएशनल होते हैं, जब उनकी जरूरत होती है वेजेस डिफाइन करने के लिए वो फॉर्म होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाते हैं. एंड ऑप्शन डी एंड सी आर करेक्ट. दैट इज, येस, दे कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन एंड 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स. एंड सी जो है आपका, दिस इज फर्स्ट वेज बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1957 में. ये भी बिल्कुल सही बात है. क्वेश्चन नंबर 9. विच अमंग दीज आर नॉट करेक्टली मैच्ड. आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. ये कुछ इंडस्ट्रीज के नाम है, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट, साइन, आयरन और मीका माइंस. ओके, सो द आंसर इज सी एंड डी. सी एंड डी करेक्टली मैच नहीं है. ओके, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट जो था वो 1972 में ही आया था, साइन 1981 में आया था, एंड आयरन ओर 1976 में आया था, अनिका माइन 1946 में आया था. ये दोनों इंटर क्रॉस मैच कर दिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. फर्स्ट इंडस्ट्रियल लेवल कमिटीज आर सेट अप इन विच इंडस्ट्री. ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री में पहले आई थी ये चीज, वेज बोर्ड किस में आए थे. ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ये सेम वे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि इंडस्ट्रियल लेवल कमिटीज जो थी वो कब आई थी और कौन सी इंडस्ट्री में पहले आई थी. आंसर बताइए. ओके, सो आंसर इज डी, प्लांटेशन. प्लांटेशन से सबसे पहले आई थी इंडस्ट्रियल लेवल कमिटीज. ओके, सो दीज वर फ्यू गुड क्वेश्चंस व्हिच आई हैव सिलेक्टेड फॉर यू पीपल. इन फ्यूचर आई विल कंटिन्यू विद द फ्लो, एंड टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू.